हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उचित और अनुचित के बारे में। एक ये फिलॉसफी का टॉपिक है। सत्य बोलना मीन्स सच बोलना, अहिंसा व्रत को उदाहरण करना, गुरुजनों का सम्मान करना आदि सामान्य नैतिक नियम माने जाते हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो उचित के हैं। इसके अनुकूल आचरण उचित आचरण माना जाता है। उचित का तात्पर्य ही होता है नियमानुकूल। इन सारा काम जो होगा आपको वो नियम से होगा। नियम विपरीत आचरण को अनुचित आचरण कहा जाता है। उचित चरम सुख की प्राप्ति में सहायता करता है, यानी उचित काम आप करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुखवादियों ने चरम सुख को ही सुख या आनंद स्वीकार किया है। अतः जो आचरण शुभ के उद्देश्य से किया जाता है उससे सुख या आनंद की प्राप्ति होती है, और अनुचित चरम शुभ की प्राप्ति में बाधा पहुँचाता है, उसका बैरियर का काम करता है। जो आचरण चरम शुभ की प्राप्ति नहीं कराता है वो आचरण अनुचित होता है। सुखवादियों ने इसी आचरण को अनुचित आचरण कहा है। अतः चरम शुभ से संबंधित आचरण शुभ है और चरम शुभ का विरोधी आचरण अशुभ माना जाता है। उचित आचरण परिस्थिति देश तथा काल विधान के अनुकूल होता है। अनुचित आचरण परिस्थिति देश तथा काल विधान के प्रतिकूल होता है। समय और स्थान के आचरण करना अनुचित आचरण कहलाता है। किसी शोक सभा में हंसना अनुचित आचरण माना जाएगा। जैसे किसी के यहाँ डेथ हो गया है या कुछ घटना घट गई है, वहाँ पे आप हंस रहे हैं तो ये अनुचित आचरण का एग्जांपल है। जाड़े की ऋतु में रेशम और मलबल का वस्त्र धारण करना अनुचित आचरण कहा जाएगा। मीन्स कि हम सीजन के अकॉर्डिंग ड्रेस कैरी करते हैं। अगर वो विंटर सीजन है एंड वहाँ पर हम रेशम मलमल का जो ड्रेसेस है वो कैरी करेंगे तो ये अनुचित आचरण का एग्जांपल हो जाएगा। उचित हमें कर्तव्य बोध प्रदान करता है, हमें सिखाता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि मेरे मित्र के पिता बीमार हैं और मित्र नहीं है तो उसके पिता की सेवा करना हमारे लिए उचित हो जाता है। औचित्य का यही बोध हमें कर्तव्यशील बनाता है। परंतु उचित आचरण सदा कर्तव्य बोध प्रदान करे यह आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, राज्य की जनता के लिए शोक प्रकट करना उचित आचरण है, किंतु सारी जनता शोक प्रकट करे यह आवश्यक नहीं है। अतः उचित को कर्तव्य ही मान लेना आवश्यक नहीं है या कर्तव्य का पर्यायवाची नहीं हो सकता। उचित का व्यवहार केवल नैतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन दूसरे क्षेत्रों में भी होता है। इसकी गुणवाचकता विस्तृत है। इसका व्यवहार राजनीतिक आर्थिक तार्किक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। अतः इसके अर्थ को संकुचित करना ठीक नहीं होगा। इसकी व्याख्या हर क्षेत्र में हो सकती है। नैतिक नियमों में देश काल एवं परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन होते हैं, अतः नैतिक नियमों को शाश्वत नहीं माना जा सकता है। उचित अनुचित नैतिक नियम से संबंधित है। तो गाइज, ये फिलॉसफी का टॉपिक था उचित और अनुचित। क्या हमारा काम उचित में आता है और कौन कौन से काम हमारा अनुचित में आता है। आज उचित समझा जाने वाला आचरण कल अनुचित सिद्ध हो सकता है। अतः उचित अनुचित प्रत्यय के अर्थ में परिस्थिति परिवर्तन देश काल और ये सारे चीज़ जो अनुकूल निश्चित करता है। हमारे अच्छे काम उचित का एग्जांपल है, हमारे बुरे काम अनुचित का एग्जांपल है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।